हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस तीसरी वीडियो में प्रोबेबिलिटी की। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के बयान में समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में समझे थे, जो रूल्स हमने पिछले वीडियो में समझे थे, वो प्रोबेबिलिटी में किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरह से हम उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर आर 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। मान लीजिए कि एक बैग है जिसके अंदर 10 काली और 5 सफेद बॉल गेंदे हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। दो बॉल्स एक एक करके हमने उसमें से निकालकर बाहर रख दिए, यानी एक बॉल निकाली फिर बाहर रख दिया और दूसरी बॉल निकाली उसको भी बाहर रख दिया। इस तरह से करते हुए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। तो यहां पे ये समझिए कि हमारा ध्यान समझने का, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि दो बॉल्स एक एक करके निकल रही है। ये बहुत फर्क पड़ता है कि आप एक हाथ डाल के दो बॉल्स निकाल रहे हैं एट अ टाइम या फिर आप वन बाय वन करके निकाल रहे हैं। यहाँ पे वन बाय वन निकाल रहे हैं वन आफ्टर अनदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि एक बॉल निकाली बाहर रख दी और दूसरी बॉल निकाली फिर उसको बाहर रख दिया। ठीक है, तो पहली बात करते हैं बोथ द बॉल्स आर ब्लैक। तो एक बार पहले ये समझिए कि पूरा काम क्या है। पूरा काम है दो बॉल्स को ड्रॉ करना, पूरा काम है दो बॉल्स को ड्रॉ करना। और मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब हम उसको प्लस करेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। समझ जाएंगे क्या कहना चाहता हूं। पहले बात, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब समझिए हमें दो बॉल्स निकालने हैं, पहली बॉल दूसरी बॉल। पहली बॉल को निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल्स? अगर आपके सामने केस है कि 15 बॉल्स है, 15 बॉल्स है इसमें से 10 ब्लैक और 5 व्हाइट है। अब एक आपको बोला जाए कि एक ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर वैसे 10 है ब्लैक बॉल्स, टोटल कितनी है 15। अगर आपको जरा सा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मुला पता हो तो बेसिक फॉर्मुला प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो 10 हमारा फेवरेबल आउटकम है, 15 हमारा टोटल आउटकम है। तो ये पहली बॉल को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी, और बॉल को बाहर निकालकर हम क्या कर रहे हैं, बाहर रख रहे हैं फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हैं। अब जब ये टास्क हो चुका है उसके बाद क्या होगा, एक बॉल ब्लैक एंड बाहर चलेगी, अब मेरे पास 9 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स है। जैसे देखिए एक बॉल को निकाल के मैंने बाहर रख दिया तो अंदर क्या बचा रहता है, 9 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अब इस बैग में से, अब इस नई सिचुएशन में से अगर आपको एक बॉल ब्लैक बॉल ड्रॉ करनी है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक बॉल्स अब 9 हो चुकी है, टोटल कितनी है 14, टोटल कितनी है 14, तो इज इक्वल टू 90 अपॉन 15 इंटू 14 करेंगे तो वही आएगा कुछ 210, क्योंकि 15 इंटू 15 225 होता है तो ये 210 आ जाएगा। अब यहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब मैंने पहली ब्लैक बॉल ड्रॉ करी क्या मेरा काम कंप्लीट हो चुका था? नहीं, मेरा काम अभी पेंडिंग था क्योंकि मुझे दो बॉल्स ड्रॉ करनी थी। तो एक बॉल निकाली मैंने 10 बाय 15 प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि अब मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डाला। फिर सेकंड ब्लैक बॉल, फर्स्ट ब्लैक बॉल यानी B1, B1 डिनोट करता है फर्स्ट ब्लैक बॉल को, फिर सेकंड ब्लैक बॉल। ठीक है, यह हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंड केस समझने की कोशिश करते हैं, वन ब्लैक एंड वन व्हाइट। क्या होगा, या तो पहले ब्लैक बॉल आ जाएगी, ठीक है, फिर व्हाइट बॉल आ जाएगी। देखिए उसने ऐसा नहीं बोला कि पहले ब्लैक फिर व्हाइट, उसने बस इतना बोला कि जो दो बॉल आएंगी उसमें से एक व्हाइट, एक ब्लैक होनी चाहिए और एक व्हाइट होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि पहले ब्लैक आई हो, पहले ब्लैक आई हो फिर व्हाइट आई हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले व्हाइट आई हो फिर ब्लैक आई हो। ज्यादा फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। उसने क्वेश्चन के अंदर हमसे ये नहीं कहा कि पहले ब्लैक बॉल चाहिए थी या व्हाइट बॉल चाहिए थी, क्योंकि उसने हमें ये मेंशन नहीं किया कि कौन सी पहले आएगी, तो हम सारे पॉसिबल केसेस लेंगे। हम ये भी लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले ब्लैक आई हो फिर व्हाइट आई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले व्हाइट आई हो फिर ब्लैक आई हो। तो समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ब्लैक बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी है 10 बाय 15, क्योंकि आप देखेंगे इधर, तो अब मेरे पास ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
10 बाय 15, ठीक है। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे दो बॉल ड्रॉ करनी है, अभी सिर्फ एक ही बॉल ड्रॉ हुई है एंड दैट इज ब्लैक बॉल इनटू, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ है। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की बाहर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाइट के फेवरेबल कितने, 5 टोटल कितने होंगे, 15 या 14, 14। अब ध्यान से देखिए, ये 14 इस बार यहां पे 14 क्यों, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक बॉल को जब मैंने ये ब्लैक बॉल को बाहर निकाला तो उसे मैंने बाहर रख दिया, अब मैं व्हाइट बॉल की बात करूं तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/14 होगी। व्हाइट बाहर जो गई थी वो ब्लैक थी, जो बाहर तो गई थी वो ब्लैक थी, क्योंकि बाहर ब्लैक गई है तो अंदर व्हाइट 5/5 ही पड़ी है। व्हाइट के लिए हमारे पास 5/5 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। बट देखिए ओवरऑल टोटल में से एक कम हो गई है, इसलिए यहाँ पे 5/14। यहाँ पे मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, टास्क था दो बॉल्स को ड्रॉ करना, एक ब्लैक और एक व्हाइट, टास्क कंप्लीट हो गया है। बट अभी सारे पॉसिबल केसेस कवर नहीं हुए, तो क्योंकि जब टास्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम यूज करते हैं प्लस, उसके बाद हम यूज करते हैं प्लस। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक बॉल, पहले व्हाइट बॉल, पहले व्हाइट बॉल ड्रॉ होने के कितने केसेस है, 5/15, 5/15 इनटू ब्लैक बाय ब्लैक, जो व्हाइट बॉल को निकालते हैं हमने बाहर रख दिए, ठीक है। अब आगे हम ब्लैक बॉल सॉल्व करेंगे, तो ब्लैक बॉल के कितने केस है, ब्लैक बॉल टोटल, ब्लैक बॉल खुद है 10, टोटल रह जाएंगे 14, ये हो जाएगा 10/14। एक बार मैं फिर से बताता हूं, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/15, उसमें से उसको एक बॉल को निकाल के बाहर रख दिया, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 10/14, तो ये टोटल आंसर होगा, फाइनल आंसर ये होगा सेकंड पार्ट का आंसर, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, 10/15 इंटू 5/14 प्लस 5/15 इंटू 10/14, ठीक है। एक बार आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा 50 upon 210 equal to 100 upon 210, ठीक है जी। चलिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं, दो क्वेश्चन और देखते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से आ गया 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इस बार हम तीन कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपको पता होगा कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें टोटल चार सूट्स होते हैं, किंग, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स एंड क्लब, टोटल चार सूट्स होते हैं जिसमें स्पेड और क्लब जो है ब्लैक कलर के होते हैं और डायमंड एंड हार्ट जो है वो रेड कलर के होते हैं, और हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 एक सूट के अंदर टोटल चार, तो 13 into 4 52, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू आर किंग्स एंड द लास्ट वन इज एस, हमें इस बात की इस कंडीशन इस केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले दो जो निकले हो वो किंग्स हो और जो लास्ट में निकला हो वो एस हो, टोटल 3 कार्ड्स ड्रॉ होने हैं। तो 3 बार एक्सपेरिमेंट होगा, पहले एक कार्ड निकाला जाएगा उसे बाहर रख दिया जाएगा, फिर दूसरा निकाला जाएगा उसे बाहर रख देंगे, फिर तीसरा निकालेंगे उसको बाहर रख देंगे। पहले कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहला फर्स्ट टू आर किंग्स, अब मान लीजिए 3 कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स के अंदर, किंग्स कितने होते हैं, हर एक सूट में एक एक किंग होता है, चार सूट है तो टोटल 4 किंग होंगे, 4 किंग्स हैं और टोटल 52 कार्ड्स हैं, एक किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, फेवरेबल है 4, एक किंग ड्रॉ करने के लिए फेवरेबल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 52, तो एक किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। ओके, अभी मेरा काम है 3 कार्ड्स को ड्रॉ करने का, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही कार्ड ड्रॉ किया है क्योंकि काम अभी इनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस है तो मल्टीप्लाई आएगा। नेक्स्ट अब मुझे सेकंड कार्ड ड्रॉ करना है, और यानी सेकंड प्लेस पे हमें किंग की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो पहले किंग क्या प्रॉपर्टी थी 4/52, बट वो किंग को हमने निकाल के बाहर रख दिया, टोटल 4 थे, टोटल किंग्स कितने रह गए, किंग रह गए 3, और हमारे पास जो ओवरऑल डेक के 52 कार्ड थे उसमें से कितने रह गए 51, क्योंकि एक कार्ड तो बाहर चला गया, तो नेक्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल हो जाएंगे 3 और टोटल हो जाएंगे 51,
एक बार मैं फिर से बात समझाता हूँ कैसे ट्रिगर और कैसे मल्टीपल, क्योंकि पहले किंग निकाल कर मैं बाहर रख दिया था तो पूरी कार्ड्स की डेक में से एक कार्ड तो कम हो गया, 52 में से एक कम हो गया, फिर फिलहाल रह गया और जो किंग था पहले वो चार थे वो भी एक रिड्यूस हो गए चार से तीन हो गए। अब इसमें से दो किंग्स आ गए तीसरी प्लेस पर, उसमें से एस मांगे। अगर आपको ध्यान दो तो हमने दो किंग्स निकाल कर बाहर रखे हैं, एस अभी भी चार के चार अपने डेक में पड़े हैं, तो टोटल सॉरी तो एस कितना फेवरेबल कितना फोर टोटल कितना हुए, टोटल में से दो किंग्स तो निकल चुके हैं यानी 52 में से दो तो कम हो चुके हैं, कितने रह गए 15, तो टोटल होगा 15। इस वे से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दो किंग्स, फर्स्ट टू किंग्स एंड थर्ड इज एस, फर्स्ट दो पे किंग और सेकंड पे सॉरी थर्ड पे एस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे इसको समझिए। Four cards are drawn at a time. Find the probability that there are two kings and two queens. अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है at a time. अब यहाँ पे वन बाय वन करके नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या चेंज आएगा, किस तरह से इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन की टाइप है वो बदल जाती है। Four cards are drawn at a time. Find the probability that there are two kings and two queens. मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एट अ टाइम कहा जाता है इंस्टेड ऑफ वन बाय वन, उस केस में आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लीजिए, ठीक है? इस दो पार्ट्स को पढ़ने से पहले आप इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लीजिए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हर बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं फेवरेबल आउटकम्स के निकालने के चक्कर में वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो निकालने भूल जाते हैं या फिर अगर निकालते हैं तो गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते सबसे पहले आप उसके पॉसिबल आउटकम्स निकालिएगा, उसके बाद उसके फेवरेबल आउटकम्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब हमें फोर कार्ड्स ड्रॉ करने हैं एट अ टाइम, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है? और हमें चार कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो 52 में से चार कार्ड्स, अगर आपको याद हो एनसीआर 52 में से चार कार्ड्स सिर्फ ड्रॉ करने हैं, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मुझे कार्ड निकालकर किसी पर्टिकुलर एरे में अरेंज नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा, तो किस क्या हम लोगों 52 में से फोर कार्ड अरेंज कर दें, ठीक है? अभी इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँ, इसको ऐसे रहने देंगे 52C4, चाहे इसको आप ऐसे भी लिखिए सिर्फ C52, ठीक है? नोटेशन है ऐसे लग रहा है। तो ये मेरे टोटल वेज ऑफ पॉसिबल आउटकम है 52C4, ठीक है? आगे देखते हैं, अब देखते हैं फेवरेबल आउटकम। फर्स्ट पार्ट जब भी मैं क्या करूंगा, मैं इसके फेवरेबल आउटकम निकाल दूंगा, फेवरेबल आउटकम से मेरे पास आ जाएंगे, उसको टोटल से डिवाइड कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब मुझे कहा गया है टू किंग्स एंड, ध्यान दीजिएगा मैंने आपको पहले भी बताया ये वर्ड एंड और इन इंग्लिश एंड और दे हैव बोथ क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स, राइट? वी नीड टू क्लियरली ऑब्जर्व दैट व्हिच क्वेश्चन है इन क्वेश्चन व्हिच थिंग इज गिवन अस, आइदर इट इज गिवन एंड और दे हैव गिवन अस और। लेट्स सी, टू किंग्स एंड टू क्वींस, हाउ मेनी किंग्स डू वी हैव इन टोटल, इन टोटल वी हैव फोर किंग्स एंड हाउ मेनी किंग्स वी वांट, टू। सो आउट ऑफ फोर किंग्स आई हैव टू सिलेक्ट टू किंग्स, सो फोर किंग्स टू किंग्स सिलेक्शन, फोर टोटल टू सिलेक्शन, फोर सी टू। इफ आई आस्क यू इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट टू किंग्स आउट ऑफ फोर किंग्स, सो इन दैट यू से सर टोटल आर फोर, टोटल एज इन फोर किंग्स आर देयर, आउट ऑफ फोर किंग्स यू हैव टू सिलेक्ट टू किंग्स एंड देयर इज नो अरेंजमेंट, सो विल से 4C2। बट माय टास्क इज नॉट कंप्लीट, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, काम कब खत्म होगा जब मैं दो किंग्स और दो क्वींस को ड्रॉ कर लूंगा। अभी सिर्फ दो ही किंग्स ड्रॉ हो गए हैं, दो क्वींस अभी पेंडिंग है, क्योंकि काम पेंडिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस है, खत्म नहीं हुआ है, तो मैं कह रहा हूं देन टू क्वींस, दो किंग्स को ड्रॉ करना है। टोटल क्वींस कितने हमारे पास 4, उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 4C2, ये किंग्स को सिलेक्ट करने के वेज है, 4C2 ये क्वींस को सिलेक्ट करने के वेज है। अगर आप ध्यान से देखें तो दो किंग्स यहां सिलेक्ट हो चुके हैं, दो क्वींस यहां सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हमारे पास टोटल जो चार कार्ड्स हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं, तो ये मेरे हुए फेवरेबल आउटकम्स। ध्यान से देखिए ये फेवरेबल आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत बार बच्चे इसे ही पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि काम हो गया शायद और सिलेक्शन होगी तो बात खत्म होगी, नहीं, जो फाइनल आंसर जो प्रोबेबिलिटी का निकलेगा, प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो होगी 4C2 into 4C2 whole upon 4C2, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स निकाल चुके हैं,
52C4। एक बार इसे देख लीजिए, ये मेरे फेवरेबल आउटकम्स हैं, मेरे काउंट किए हैं, ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4C2 upon 4C2 upon 52C4। ठीक है, इससे मेरा सॉल्व हुआ फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट, हर एक सूट में से एक कार्ड ड्रॉ करना है, वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट। जल्द देखिए वन कार्ड फ्रॉम ईच सूट कैसे होगा। फिर से टोटल सेम रहेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि अब भी मैं चार ही कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ, 52 का डेक है उसमें से चार कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल पॉसिबल चेंज नहीं होंगे। फेवरेबल के लिए उसमें कंडीशन दिया है कि हर एक सूट में से एक कार्ड ड्रॉ होना चाहिए, हर एक सूट में से चार सूट होते हैं जैसे मैंने बताया था पहले भी, तो चार सूट में से एक एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है। लेट्स से कि स्पेड में से एक कार्ड ड्रॉ करना है, टोटल स्पेड्स कितने होते हैं, 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक ड्रॉ करना है यानी एक सिलेक्ट करना है। तो मैं लिख सकता हूं 13C1, ये वेज है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग स्पेड्स, वन स्पेड आउट ऑफ 13 कार्ड्स, तो एक स्पेड सिलेक्ट होगा, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ, चार कार्ड सिलेक्ट होने पे काम खत्म होगा, अभी तक मैंने एक ही कार्ड सिलेक्ट किया है, मल्टीप्लाई स्पेड्स के बाद, जैसे स्पेड के बाद क्लब्स की बात है, तो 13 कार्ड्स ही क्लब्स के होते हैं, उसमें से भी एक सिलेक्ट करना है 13C1। ठीक है, ऐसे 13 डायमंड्स में से एक कार्ड, ऐसे 13C1। ठीक है, तो ये तो थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अभी हमें प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल 13C1 2। इसको मैं 13C1 into 13C1 into 13C1 into 13C1 whole divided by 52C4 number of favorable outcomes or number of possible outcomes. इसको सॉल्व करके हमें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। एक बार से सोचिए जरा ध्यान से, आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन का नंबर मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो या कोई कंसेप्ट में लगा हो कि वीक है, आपको नहीं समझ में आया, तो मुझे जरूर मेरा फीडबैक दीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो को दोबारा से बनाऊंगा आपके लिए, अगर ज्यादा बच्चों को डाउट आएगा उसमें तो मैं एक बार उस वीडियो को फिर से बनाऊंगा, जो भी आपके डाउट होंगे मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।